छुट्टी पर आए भारतीय सेना के सैनिक की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। मृतक सैनिक का उपचार कई दिनों से चल रहा था और उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। विछवा थाना क्षेत्र के ग्राम बोली निवासी अमित कुमार पुत्र बंसी लाल उर्फ बंसी धर, जो भारतीय सेना में सिपाही के पद पर था और वर्तमान में सिपाही राजस्थान के जोधपुर में तैनाती पर था। सिपाही अमित कुमार एक माह के लिए छुट्टी पर आया था, जिसके बाद वह बीमार पड़ गया। उसका कई दिनों से भोगांव में इलाज चल रहा था। बीती रात्रि में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी रेखा, जो वर्तमान में लेखपाल है, और उसकी दो बेटियां हैं। सिपाही की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल। तबीयत गड़बड़ थी, भोगांव लाए, भोगांव से इलाज चला, और इलाज चलने के बाद फिर ये हॉस्पिटल लाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते ही ये एक्सपायर कर गए। नाम क्या था फौजी का इनका? अमित कुमार। अच्छा, तो वहाँ से कोई आया यूनिट से? यूनिट से तो कोई नहीं आया, लेकिन ऐसा है कि मोबाइल से फ़ोन से बात की, मैसेज जब दिया तो उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा के उसके बाद हमारे पास भेजी। अब वहाँ मैसेज दे दिया, सोल्जर बोर्ड में भी मैसेज दे दिया, और यूनिट में भी सब सबको जानकारी हो गई, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं। अब आया कोई नहीं।